टच करेगा जिसमें। ठीक है सर, पहले मैं अभी ईनाडु न्यूज़पेपर में पढ़ा न्यूज़ आर्टिकल आज के लिए, पति के लिए बात किया, वो मैं बहुत इंस्पिरेशन आया वो कहा ये कहानी बाद में। पहले यहाँ से मैं बारामती किधर है मेरे को पता नहीं मालूम होता, यहाँ से मैं सीधा बॉम्बे जा रहा हूँ, बॉम्बे में दो दिन उधर ही रहेंगे और फिर यहाँ से बारामती आएगा। बारामती के आजी का घर मिलने का बहुत उधर इधर फिरने का बहुत टाइम लगा है मेरे को, और एक बार मिलेगा, मैं एक ऑटो वाला पूछा मेरे को आजी का घर इधर ही है, आजी के पास मैं गया, उसको अंदर काले लाइट नहीं, कुछ नहीं, खाना नहीं, कुछ नहीं, बहुत गरीब पोजिशन था उसका, लेकिन एटमॉस्फेयर बहुत गरीब है, लेकिन मैं देखा उसका कहानी पूरा मैं सुन रहा है, लेकिन वो पति का हालत अच्छा नहीं है, इसके लिए मैं बात किया था। मेरे को थोड़ा थोड़ा हिंदी समझते और इसको बिल्कुल नहीं आया, लेकिन आप गलत मत सोचो, लेकिन यहाँ से मैं अभी पूरा वो कहानी मेरे को सोचा, यहाँ से मैं 2013 से बहुत मुश्किल किया था, एक दो तीन प्रोड्यूसर भी आएगा, लेकिन ये क्या बोल रहे हैं अभी दूसरा आर्टिस्ट कमर्शियल आर्टिस्ट लगे तो अच्छे लगते बोल रहे हैं, लेकिन मैं ये न्यू रियलिस्टिकल फिल्म है, लेकिन ऐसी सोचा मैं भाई न्यू वे फिल्म, इसके पहले सत्यजीत रे, अरविंद, गोविंद निहालानी, बड़ा बड़ा डायरेक्टर ये रास्ता में चले जाए, फिर बाद में मैं कृष्णा सर मेरे को मिलेगा, मेरे को कृष्णा सर की मैं सब्जेक्ट बोला, लेकिन वो सब्जेक्ट खाली 3 मिनट में क्या 3 मिनट सुना है, लेकिन वो बोला उसको पहले रजिस्टर किया था ये फिल्म, ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन ये कहानी कोई नहीं कर सकते, लेकिन ये कमर्शियल आज का दिन कमर्शियल वाले इसको बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, लेकिन ये पूरा गावटी फिल्म है, लेकिन पूरा अननोन आर्टिस्ट, सर बोले तुम करो, मेरे को बहुत इंस्पिरेशन लेकिन मदद दिया, यहाँ से बीच में रुक गया वो, फिर आ गया, लेकिन पूरा हो गया पिक्चर। इसके पहले मेकिंग के लिए बहुत मुश्किल आ गया, लेकिन वो आज ही 2 बार हॉस्पिटल चले गया, इसको बोन फ्रैक्चर भी आएगा, लेकिन इतना दूर से आके आके नेचुरल गिर गया है, और फिर वो भी संकल्प बहुत बड़ी है ऐसा किया था, और पिक्चर भी पूरा अननोन आर्टिस्ट है, इसकी पहली फिल्म है, लेकिन फर्स्ट टाइम इंडियन न्यू रियलिस्टिकल फिल्म, इसका 99% नहीं 100% रियलिस्टिकल गावटी वाला फिल्म है। पहले सिर्फ मराठी में ही सोचा, फिर पहले मैं लता कारी को प्रणाम करूँ, वो इतना बुढ़ा के भी ऐसा बाग के लिए मैं सोच के उन बोले मेरे को नवीन एक बार मिल के मेरे को बोला ऐसा बोला, पहले वो फिल्म कमर्शियल में नहीं निकाल के नहीं बोला मैं, हर एक लोगों को मैसेज होना, अभी इतना बूढ़ा आदमी इतना बाग के पति के लिए इतना मेहनत करिए, कोई भी नहीं करे ना कभी, अभी जनरेशन में कौन करे, अभी ये देखने का भी अभी हर एक लोगों को भी मैसेज आ जाता, अभी इतना बूढ़ा गिर के अभी उसका प्रॉब्लम, पति को प्रॉब्लम है तो इतना बाग के और पैसे लेके फिर हॉस्पिटल में अभी देखने के लिए गए ना, वो पूरों को मैसेज करने के भी मैं सोच रहा हूँ, अभी मैसेज भी जाना है आपका मीडिया से भी मैसेज कर लो आप, मेरे को हिंदी थोड़ा थोड़ा आता है इसलिए बोलूँ अब ठीक है। क्या मैसेज देना चाहेंगे ऑडियंस को, क्यों देखनी चाहिए, क्या कुछ स्पेशल बोलो, पूरों को स्पेशल बोलो तो अभी इतना बुढ़ा अभी इतना भाग के ऐसा कर ले, हर इन लोगों को एक इंस्पिरेशन रहता क्या करना कि उसमें पूरों का भी देखने को इंस्पिरेशन आता, उन कैसा भागा कैसा कर लिया, उन हमारे लिए भी अब देश का भी कैसा करना वो सोचना बोल के मैं मैसेज दे रहा हूँ। सर आपका मैसेज देना चाहिए, इस फिल्म बहुत बड़ी सर काय मेहनत के लिए तुम्हें काय प्रिपरेशन झाला फिल्म साठी, ते नवीन सर ज्या वेळेस आले ते पिक्चर काढायचं म्हणले तर जसं चांगलं वाटलं मला पण, आणि त्यांनी भी मला असं खूप मेहनत घेतली, मला शिकवण्याचे लय प्रयत्न केले असे, आणि त्यांनी शिकवल्यामुळं मला मग असं काहीच वाटत नव्हतं, जसं पहिले वाटलं पण मग असं त्यांनी शिकवल्यानंतर त्यांनी लय कष्ट घेतले त्याच्यामुळं मला काही वाटत नाही आता। जेव्हा मॅरेथॉनमध्ये भागले तुम्ही तेव्हा काय विचार होता मनात आणि काय विचारत होते तुम्ही की होणार की नाही होणार, काय काय थॉट प्रोसेस होता तेव्हा? स्पर्धेत भाग घेतला तर माझ्या मनात जिद्दच होती की माझा नंबर आलाच पाहिजे, नंबर आला तरच आपल्याला 5,000 मिळतील, नंबर नाही आला तर आपल्याला 5,000 मिळणार नाहीत, असं 5,000 मिळावं म्हणून जिद्द होती, आणि त्या जिद्दीमुळं मी जीवाची पर्वा नाही केली,
जीवाची पर्वा न करता समजा धाव घेतली म्हणून माझा पहिला नंबर आला. जिद्द होती मला की 5,000 मिळाले तर मी मालकाचा MRI करेल. ते स्पर्धेमध्ये काफी युवक पण असणार, पण तुम्ही त्यांना कसं पाठी केलं आणि जर तुमचा थोडासा एक्सपिरियन्स जर सांगायला त्यांना म्हणजे अशी माझ्या पुढे जरी असले तर माझ्या मनात जिद्द होती ना की मी जर पुढे गेले तर माझा पहिला नंबर येईल आणि मी जर समजा मागे राहिली तर माझ्या पुढे कोणी गेलं तर त्यांचा नंबर येईल. माझ्या मनात जिद्द होती की मीच गेली पाहिजे पुढे, माझा नंबर आला पाहिजे. जिद्द असेल तर आपण काही करू शकतो, हेच मेसेज. हो, जिद्द होती म्हणून समजा मी पार करू शकले स्पर्धा. आणि मेन म्हणजे पवार साहेबाच्या वाढदिवसानिमित्त ही स्पर्धा होती आणि त्या स्पर्धेमुळं माझं एवढं नाव झालं, नंबर आल्यामुळं. आणि नाव झाल्यामुळं मला या पिक्चरमध्ये येण्याची संधी मिळाली. यांची मी खूप खूप आभार मानते पवार साहेबाचे, त्यांच्यामुळं मला एवढी संधी मिळाली. पब्लिक जे बघतात त्यांना काय सांगायचं मेसेज? स्पर्धा जिंकली आणि त्या जिंकण्यामुळं मी आज एवढं माझं नशीब उजळलं. माझ्या नशीब समजा मला चांगली संधी मिळाली म्हणून याचा मला अभिमान वाटतो. आजी आता तुम्ही सेलिब्रिटी झालेला आहे, सेलिब्रिटी स्टार झालेला आहे, कसं वाटतंय तुम्हाला? हा, मला याच्याबद्दल खूप अभिमान वाटतो की मी स्पर्धेमुळं माझं सगळ्या जगात नाव झालं, मला ही पिक्चर मध्ये संधी मिळाली, याच मला खूप अभिमान वाटत. कधी तुम्हाला असं वाटलं होतं की आम्हाला स्टार बनायचं, फिल्म स्टार बनायचं कधी? असं माझ्या मनात नव्हतंच, फक्त मला जिद्द होती की 5,000 मिळाले की मी मालकाचा MRI करीन, एवढीच जिद्द होती. पण या स्पर्धेमुळं मी आज माझं नशीब लय म्हणजे असं लय संधी मिळाली मला.